दोस्तों, अगर आप भी राहुल द्रविड़ को एक बेहतरीन कोच मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के नए कोच बने राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका पहुंचते ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए और भावुक होते हुए अपने लिए भी कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। लेकिन आखिरकार राहुल द्रविड़ क्यों भावुक हुए और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ को ही हर फॉर्मेट में टीम का कोच बनाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पूरी तरीके से हारने के बाद जहां एक तरफ मुख्य भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में आराम फरमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की दूसरी ही टीम श्रीलंका रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि यह दौरा पिछले साल होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते इसे पूरी तरीके से शिफ्ट करना पड़ा। और अब 12 जुलाई से भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में पहले 3 मैचों की ODI सीरीज होगी और उसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात तो यह है कि न सिर्फ इस दौरे पर युवा खिलाड़ी होंगे बल्कि भारतीय टीम को एक बहुत ही बेहतरीन नया कोच मिला है, और यह कोच कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के ही दिग्गज पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं। आपको बताएं दोस्तों कि राहुल द्रविड़ अंडर-19 टीम व भारतीय युवा खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने के लिए BCCI में सबसे अहम योगदान देते हैं। जितने भी युवा खिलाड़ी लगभग भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं, उनका टेस्ट पहले राहुल द्रविड़ द्वारा ही लिया जाता है। और क्योंकि भारत की बी टीम को श्रीलंका जाकर ये सीरीज खेलनी थी, तो जाहिर सी बात है कि राहुल द्रविड़ से बेहतर ऑप्शन एक कोच के तौर पर कोई हो ही नहीं सकता था। परंतु श्रीलंका पहुंचते ही राहुल द्रविड़ ने अपने पोलाइट व्यवहार से एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया। क्योंकि दोस्तों, रवाना होने से पहले राहुल द्रविड़ ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसमें निस्वार्थ राहुल द्रविड़ अपने बारे में नहीं बल्कि युवा खिलाड़ियों के बारे में ही सोच रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी स्टेटमेंट में राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं अपने आप को वाकई में सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भारतीय टीम के कोच बनने का अवसर मिला है। जाहिर सी बात है कि अब तक की मेरी पूरी लाइफ में या करियर में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक खिलाड़ी के तौर पर खेलना अलग बात है, यहाँ तक कि कप्तान के तौर पर भी, लेकिन जब आप कोच की जिम्मेदारी संभालते हैं तो आपको पूरी टीम को एक साथ बराबर लेकर चलना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात के लिए बेहद ही फक्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के लिए कोच तो बन पाया, साथ ही ऐसे युवा खिलाड़ियों का कोच बना जो कि वाकई में दम रखते हैं टीम को किसी भी सिचुएशन में जिताने का। इस दौरे पर हमारी सबसे ज्यादा कोशिश यही रहेगी कि हर एक युवा खिलाड़ी को खेलने का अवसर मिले, और एक कोच होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि हर एक खिलाड़ी को किसी न किसी मैच में खेलाया जरूर जाए, ताकि न सिर्फ उस खिलाड़ी को भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का चांस मिले बल्कि उसकी काबिलियत दुनिया के सामने आनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में हमारी टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिस तरीके से IPL से लेकर सभी घरेलू टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है, उसके बाद अब ये उनका सबसे बेहतर मौका है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी खिलाड़ियों को मौका जरूर मिलेगा। मैं बोर्ड का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने टीम भी बनाई और ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। यह दौरा मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा खास है। आप हर रोज क्रिकेट के गेम से कुछ न कुछ सीखते हैं और बतौर कोच यह मेरे लिए कड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन हम ये सीरीज खेलेंगे तो केवल जीतने के लिए। दोस्तों, राहुल द्रविड़ ने अपने बयान में उन सभी युवा खिलाड़ियों को अवसर देने की बात कही है जो कि इस दौरे का हिस्सा बनेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि खिलाड़ियों को दौरे पर ले जाया जाता है परंतु उनसे केवल प्रैक्टिस कराई जाती है, टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाता। लेकिन ये राहुल द्रविड़ हैं जिनका मानना है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मौका भी मिलना चाहिए। आपको बताएं दोस्तों कि बीच में जब राहुल द्रविड़ को कोच घोषित किया गया था तो सब उन्हें रवि शास्त्री से बेहतर भी बताने लगे थे। परंतु आप सभी को क्या लगता है, रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ में कौन एक बेहतर कोच है, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।